अरे मोदी जी, आपके टमाटर की बहुत पैदावार हुई इस बार, हमारे तो खेत में भिंडी इस बार ज्यादा पैदा ही नहीं हुई। योगी जी मजाक तो बनाया मत करा करो, तुम्हारी भिंडी बहुत पैदा हुई है, ये कुना कहो कि हमारा टमाटर ही ज्यादा पैदा नहीं हुआ। पिछली बार मेरे खेत में 5 क्विंटल टमाटर पैदा हुआ था, इस बार 3 क्विंटल टमाटर मुश्किल से पैदा हुआ है। और भाई हमारे बैंगन के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा बैंगन तो खेत में बहुत ज्यादा निकला है। वैसे मोदी जी कल तो आपके टमाटर सबसे पहले बिक गए थे, आज देखते हैं किसकी टोकरी जल्दी खाली होती है, मेरे बैंगन जल्दी बिकते या योगी जी की भिंडी या मोदी जी के टमाटर। अरे अखिलेश और लालू जी चले आ रहे हैं, ये कुछ ना कुछ खरीदेंगे। रुक जाओ तीनों लोग, रुक जाओ, सब्जी खरीदेंगे हम। अरे भाई लालू जी रुक गए और सब्जी खरीदोगे हमसे? कोई हम सोना चांदी थोड़ी बेच रहे हैं जो सोना चांदी खरीदोगे। क्या कहते हो अखिलेश, आज टमाटर की चटनी बनाई जाए, मोदी जी के टमाटर खरीद लो। देखो लालू जी, मैं आपके साथ रहता हूँ, इसका ये मतलब नहीं आप जो चीज बनाते रहे मैं खाता रहूं। कल आपने रसीले आलू बनाए वो मैंने खा लिए, देखो आज तो मैं बैंगन की सब्जी खाऊंगा, बैंगन खरीदो आज। देखो बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो बैंगन बिल्कुल नहीं खाऊंगा, टमाटर की ही चटनी खाऊंगा मैं, टमाटर खरीद लो। देखो राहुल चमचमाते हुए बैंगन बेच रहा है, ताजे ताजे, वो ही खरीद लेते, वो ही पकाएंगे आज। मैंने तुमसे कहा अखिलेश, देखो मैं टमाटर की ही चटनी खाऊंगा, मोदी जी के टमाटर देखो कितनी बढ़िया है। अरे लालू जी, अखिलेश आप आपस में टमाटर बैंगन लगाए हुए हैं, कम से कम भिंडी की तरफ भी देख लो, मैं भिंडी बेच रहा हूँ, भिंडी खरीद लो। ये सही बात है, योगी जी बिल्कुल सही कह रहा है। अखिलेश ना आज तुम बैंगन खाओ ना मैं आज टमाटर की चटनी खाता हूँ, अपना दोनों लोग मिलकर भिंडी की सब्जी पकाएंगे। वैसे तो लालू जी मैं आपकी कभी बात मानता नहीं हूँ, लेकिन आज मान लेता हूँ। चलो योगी जी भिंडी दे दो 5 रुपए की। अरे अखिलेश 5 रुपए की भिंडी तो अकेले तुम खा जाओगे, 15 रुपए की भिंडी खरीदो। इसीलिए लालू जी मैं आपके साथ खाना नहीं बनाना चाहता, आप खर्चा बहुत करवाते हैं। चलो भाई 15 रुपए की भिंडी दे दो, क्या करा जाए, जब इनके साथ खाना बनाना शुरू कर दिया है तो इनकी मानना पड़ेगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल मुझे ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, इसीलिए काम पर मैं तुम्हें नहीं लाता हूँ। अब हम सब लोग तो धान की पौध लगा रहे हैं, लेकिन तुम खड़े खड़े मुंह देख रहे हो, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारे साथ बराबर की मेहनत करो। अरे मोदी जी कब तक झुके झुके धान की पौध लगाएं, सुबह से अपना लोग खेत पर आए हुए हैं और दोपहर का खाने का टाइम होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक तुम हमसे काम करा रहे हो। तुम ठेकेदार हो तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरा पूरा दिन तक काम कराओ, कमर दर्द करने लगी झुके झुके। मुझसे अब झुककर धान की पौध नहीं लगाई जाती, मैं तो अब जा रहा हूँ यहाँ से काम वाम छोड़कर। तुम तो राहुल ऐसे एहसान दिखा रहे हो जैसे फ्री में काम कर रहे हो, तुम पैसा नहीं लेते हो काम करने का। और ये बताओ क्या तुम अकेले ही झुककर पौध लगा रहे हो धान की, हम नहीं लगा रहे? देखो लालू जी, योगी जी, अखिलेश कितनी बढ़िया तरीके से धान की पौध लगा रहे हैं, बिल्कुल अभी तक खड़े नहीं हुए, जब से ये झुककर पौध लगाना चालू किए इन्होंने सुबह से। क्या मोदी जी कह रहे हो कि खड़े नहीं हुए, हमारी तो मजबूरी है आपके पास काम करना। अरे आपके पास काम नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि इस बार कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा है, सोच रहे हैं आपके ही खेत पर थोड़ा बहुत काम करके कमाई कर ले। अरे मोदी जी थोड़ी देर मैं खड़ा हो जाऊं, मेरी कमर दर्द करने लगी, बिल्कुल झुके झुके खड़ा हो जाऊं मैं भी राहुल के तरह, थोड़ा सा सीधा खड़ा होकर कमर को आराम दे दूं क्या? अरे तुम सब लोग भी राहुल की तरह बातें करने लगे, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लालू जी मैं तो तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला समझता था, लेकिन ये क्या कर रहे हो तुम भी खड़े होने की सोच रहे हो? अगर ऐसे ही खड़े होकर हम सब लोग काम करते रहे तो हो गया काम, ये पूरे महीने में भी धान की पौध नहीं लग पाएगी और पड़ोस वाले खेत में धान पूरा पक जाएगा। अरे मोदी जी सुनो, मोदी जी बोलो। अखिलेश क्या बात हो गई, अब तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम भी अपनी बताओ। अरे दोपहर का खाना खा ले, अब तो दोपहर का खाने का टाइम हो गया, 3 बजने वाले हैं, कब तक इस कड़कती दोपहरी में काम करवाते रहोगे? राहुल तो काम छोड़ के जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम भी काम छोड़ के चले जाएं, कम से कम खाना तो हमें टाइम पे खिला दिया करो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ताले की चाबी बनवा लो, ताला सही करवा लो, आ जाओ मैं आ जाओ, चले आओ, जिसका भी ताला ना खुलता हो वो मेरे पास चला आए, पुराने से पुराने बंद ताले को भी मैं खोल देता हूँ। अरे मोदी जी बिल्कुल सही टाइम पर मिल गए आप, मैं अभी के पास जा रहा था, क्योंकि इस एरिया में आपसे अच्छी ताले की चाबी कोई नहीं बनाता है। क्या हुआ योगी जी, किसी बंद ताले की चाबी खो गई क्या तुम्हारी? अरे क्या बताऊं मोदी जी, मैं आपको बता नहीं सकता, ये मेरे पीछे अखिलेश खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा है, इसने मेरी पैंट में ताला लगाकर चाबी कहीं पर फेंक दी या छुपा ली, बता ही नहीं रहा है चाबी कहाँ पर है।
अब इस ताले को खोल दो, किसी भी तरीके से खोल दो, कितना ही रुपया ले लो। अरे हमारा काम ही है बंद ताले को खोलना, लेकिन ये ताला तो बड़ा गलत जगह लगा दिया अखिलेश तुमने, और खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो। योगी जी इस ताले को खोलने के मैं आपसे पूरे 5,000 रुपया लूंगा, बताओ खोल दूं ताले को। अरे कैसी बात करती हो, 200 रुपए की तो मैं पैंट पहना हूँ और ये 100 रुपए का ताला है और आप 5,000 रुपया मांग रहे हो। भाई मैंने तो अपने 5,000 रुपया बता दिए, बाकी तुम्हें अगर थोड़े बहुत ज्यादा पैसे लगते हो 10-15 हजार रुपया कम दे दो मुझे। अरे राहुल तुम इतना भारी ताला लिए कैसे चले आ रहे हो, बड़ा पुराना ताला है। क्या बताऊं मोदी जी, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत पुराना ताला है। इस ताले ने हमारी बहुत सेफ्टी की है, हम जब भी घर से बाहर जाते थे इसी ताले को लगा कर जाते थे, लेकिन 2-3 दिन से इसकी चाबी नहीं मिल रही है, चाबी बना दो। कैसी बात करी राहुल, अभी बनाए देते हैं तुम्हारे इस ताले की चाबी, पुराना ताला है तो क्या हुआ, कहीं भाग थोड़ी गया। अरे राहुल ताले की चाबी बनवाने से पहले इनसे रेट पूछ लो कितने में चाबी बनाएंगे, ये मेरे तो ताले की चाबी के 5,000 रुपए मांग रहे हैं। तो राहुल से मैं ज्यादा पैसे थोड़ी मांगूंगा, 50,000 रुपए में ताले की चाबी बना दूंगा। अरे कैसी बात करते हो मोदी जी, 50,000 रुपए की चाबी, इससे तो मैं नया ताला नहीं खरीद लूंगा। राहुल तुमने शायद एक बात नहीं सुनी, ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए मैं तुम्हारे पुराने ताले को सोना समझ रहा हूँ और चाबी भी सोने की बना के दूंगा। अरे योगी जी ये मोदी जी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, चाबी ये देखो मैंने अपने हाथ में छुपा रखी थी, ये लो तुम तो अपना ताला खोलो। राहुल चाबी बनवाए ना बनवाए तुम ये चाबी लो। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ भाई ये बंद पड़ा है, ये तुम्हारा ही घर है, क्या नाम है तुम्हारा, योगी जी तुम्हारा बिजली का बिल निकल के आया है 1,85,000। अरे इतना लंबा बिल कैसे कर लिया, कब से जमा नहीं किया है तुमने बिजली का बिल, और जब हम बिजली का बिल देने के लिए आए तुमने घर कैसे बंद कर दिया। अरे सर जी आपको ऐसा लगता होगा जैसे मैंने आपको देखकर ये घर बंद किया, अरे मैं कहीं जा रहा था, मैं 10-15 दिन के लिए मेहमानी में कहीं पे जा रहा था, अचानक आप आ गए, इधर उधर मेहमानी खाते फिर रहे हो, बिजली का बिल अभी तक जमा नहीं किया। अरे कब जमा करोगे, तुम्हारे ऊपर बिजली का बिल 1,85,000 रुपए। अरे कहीं भागे जा रहे हैं, हम दे देंगे बिजली का बिल, थोड़ी फसल उसल तो आने दो, पिछली बार की फसल सब बाढ़ में बह गई, उससे पिछली बार की फसल सब सूखे में खत्म हो गई थी, इसी तरीके से मैं 1-2 साल बिजली का बिल जमा नहीं कर पाया, इतना बिल हो गया 1,85,000। सर जी इस बिल पर कुछ छूट वूट तो मिल जाएगी। अरे ऑफिस तो आना, हमारे ऑफिस आना, कुछ छूट करवा देंगे तुम्हारी, तुम्हारा बिजली का बिल 1.5 लाख में निपटा देंगे। और भाई बराबर वाले भाई, आपने तो जब से शायद कनेक्शन कराया है तब से बिजली का बिल जमा ही नहीं किया है, तुम पर पूरे 9,50,000 का बिल है, यानी कि 9.5 लाख का। अरे सर जी मेरे ऊपर इतना बिजली का बिल हो ही नहीं सकता, मेरे घर ना फ्रिज है ना कूलर है, एक छोटा सा LED बल्ब जलता है 5 वाट का, उस बल्ब से 9.5 लाख का बिल मेरे ऊपर कैसे हो गया। मैं इस बिल को नहीं मानता, मैं इस बिल को जमा नहीं करूंगा। अरे मानोगे कैसे नहीं बिजली के बिल को, तुमने आज तक बिजली का बिल जमा नहीं करा है, 10 साल में तुम्हारा कम बिल आया, मैं तो ये सोच रहा था 15-15 लाख के करीब आएगा, फिर भी तुम्हारा 9.5 लाख का बिल आया है। भाई मैं तो सही हूँ, मैंने बिजली का कनेक्शन कराया ही नहीं था, मैं तो आज भी अपने घर पर मोमबत्ती जलाता हूँ, उसी से उजाला हो जाता है। और भाई साहब जब आप बिजली की चेकिंग करने के लिए आते हो तो आपके साथ ये पुलिस वाले क्यों होती है। इसका जवाब मैं खुद देता हूँ, वो इसलिए आते हैं हम लोग, अगर कोई आदमी बिना मीटर के घर में बिजली जलाता है तो हम उसे तुरंत हम पकड़ के ले जाते हैं उसे, इसीलिए बिजली चोरी नहीं करना चाहिए। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।